एसकेएमसीएच के इमरजेंसी में पहुंचा, जहां काफ़ी अफरा तफरी का माहौल देखा, दुर्घटना के शिकार होकर के कई लोग पहुंचे थे। सर, मैं इस संबंध में अभी बात कर रहा हूं एसकेएमसीएच में तैनात सर्जन चिकित्सक से। सर, आप अपने परिचय के साथ इस घटना के संबंध में जानकारी दें। मैं डॉक्टर संत श्री प्रसाद, अभी एसओडी के तौर पर काम कर रहा हूँ 2 से 9 में। लगभग 2:30 बजे के आसपास एक काफ़ी सीरियस केस, जिसका काफ़ी ब्लीडिंग भी हो रहा था फेस से और हेड रीजन से, तो रिफ़र होके आया था पीएससी मुसहरी से। पेशेंट गैस्पिंग कंडीशन में था और उसका ना ही पल्स मिल रहा था ना ही बीपी मिल रहा था, लेकिन हम लोग उसको बचाने के लिए हर संभव प्रयास करने का अटैम्प्ट लिए और उसको हेमोस्टेसिस करके और हेमेक्सिल चला के और लाइफ सेविंग जितना भी मेडिसिन होता है वो दे के स्टेबल करने का प्रयास किया, और अपने कलीग को बुला के उसको इंट्यूबेट भी करवाया गया। इंट्यूबेट कराने से एयरवे उसका पेटेंट हो गया और मेंटेन हो गया। हेमोस्टेसिस के लिए भी ब्लड बंद होने वाला दवाई, स्टिचिंग, एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग सब किया गया। अनफॉर्चुनेटली हम लोग इस मरीज को बचाने में असफल ही होने वाले हैं, क्योंकि पेशेंट में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं और काफ़ी ह्यूज ब्लड लॉस होने के कारण ये सब हुआ है। मैं अपने पद का सदुपयोग करते हुए 2 यूनिट ब्लड जो है इस मरीज को फ्री में देने के लिए ग्रुपिंग क्रॉस मैचिंग के लिए भेज दिया हूँ, और अभी भी लगा हुआ हूँ कि मरीज बच जाए तो ब्लड का भी व्यवस्था कर ही दिए। क्या नाम है उस पेशेंट का? सर, पेशेंट का नाम है शत्रुघ्न कुमार, पिताजी किसुम सहनी, ये सब लोग फतेहपुर का है, फतेहपुर मुसहरी मुजफ्फरपुर का है। अभी स्थिति गंभीर बनी हुई है सर? हाँ, काफ़ी गंभीर बनी हुई है, अभी भी गंभीर बनी हुई है। चलिए सर। जो आपको दिखाता है सच का आईना।